नमस्कार, मैं निखिल रावल आप सभी पत्रकारों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप इम्पैक्ट एकेडमी के कैंपस में पहुंचे हैं। आज हम यहां जो इकट्ठे हुए हैं, हम इम्पैक्ट एकेडमी के बिहाफ पे, एमसीआई के बिहाफ पे यहां इकट्ठे हुए हैं। मेरे साथ जो है इम्पैक्ट एकेडमी के डायरेक्टर जो है जोगिंदर सर, डायरेक्टर सर, और प्रदीप स्वामी जी शिक्षाविद हैं, बहुत बड़े हमारे हिसार के, जिनके नाम से हर कोई वाकिफ है। वो IIT सर हैं, जो कि एकमात्र फिजिक्स फैकल्टी है जो खुद IIT है जनरल कैटेगरी से फिजिक्स की। ज्योति मैम है, जो कि HAU एग्रीकल्चर से पास आउट है, HAU से उन्होंने एग्रीकल्चर का BSc का कोर्स किया है। नवीन सर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं केमिस्ट्री के। तो हम आज जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, वो हम एक छोटे सी बात जो है रखने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि जिस तरह आज के टाइम पर शिक्षा लेने वालों की तादाद बढ़ रही है, उसी तरह से शिक्षा का स्तर और कॉम्पिटिशन भी बढ़ता जा रहा है। इस बढ़ते कॉम्पिटिशन में बड़े बड़े विज्ञापन देने से बच्चा इकट्ठा नहीं होगा, क्वालिटी एजुकेशन पर काम करना पड़ेगा। क्वालिटी एजुकेशन ऐसी जिसमें रिजल्ट निकाला जा सके। और जैसे कि अगर मैं बात करूं नीट की, बात करूं 16 लाख बच्चे पेपर देते हैं, 8 लाख बच्चे जो है उसमें क्वालिफाई होते हैं, 45,000 सीटों पर फाइट करते हैं गवर्नमेंट की, तो 100 में से सिर्फ 5 बच्चे को ही गवर्नमेंट सीट मिल पाती है। इतना बड़ा कंपटीशन नीट का माना जाता है। BSc एग्रीकल्चर में ऑलमोस्ट 9,000 से 10,000 बच्चा पेपर देता है और 195 सीटें हमारे पास यहाँ पर है ऑल इंडिया और स्टेट की मिलाकर। तो अगर इसका रेशो निकालूं तो 100 में से 3 बच्चे को ही ये सीट मिल पाएगी। तो ये फाइट तो नीट से भी बड़ी फाइट हो गई। फिर इसमें जो पेपर का स्तर है वो वही है जो नीट के पेपर का स्तर है, उसके बावजूद भी यहाँ क्वालिटी में कमी क्यों? हम क्यों नीट IIT को BSc एग्रीकल्चर से सेपरेट करके चल रहे हैं, जबकि पेपर का लेवल भी नीट वाला है? तो हम जो है एक हरियाणा में पहल करने जा रहे हैं, हम मतलब इम्पैक्ट एकेडमी हरियाणा में एक पहल करने जा रही है कि BSc एग्रीकल्चर का क्रैश कोर्स भी जो है वो अब नीट IIT लेवल की फैकल्टी से पढ़ाया जाएगा, ताकि शिक्षा के स्तर पर काम किया जा सके। बड़े बड़े विज्ञापनों से भीड़ इकट्ठी हम नहीं करेंगे, हम क्वालिटी पर काम करेंगे। हमारे साथ प्रदीप स्वामी सर है, इनके रिजल्ट कोई हिसार में छुपे हुए रिजल्ट नहीं है, हर अभिभावक, हर जो है बच्चा इनके रिजल्ट से वाकिफ है। इन्होंने जो हम सबको मिलाकर ये टीम इकट्ठी की है, जोगिंदर सर ने जो एक स्टेप उठाया है नया कि हम बस स्टैंड पे वो क्वालिटी एजुकेशन देंगे जो अभी तक नहीं थी, उन टीचर्स को यहाँ ला के उनसे उन बच्चों को पढ़वाएंगे जिसकी हरियाणा को नीड है, पूरे हरियाणा को। तो हमारे साथ IIT आयुष सर है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ये उसी स्तर की कोचिंग यहाँ भी प्रोवाइड कराएंगे जो कि ये IIT के बैच में नीट के बैच में कराते हैं। मेरे बारे में मैं अगर बात करूं, मुझे यहाँ पे 12 साल हिसार के अंदर हो गए नीट IIT की कोचिंग देते हुए, मैं भी उस बैच को पढ़ाऊंगा। नवीन सर गोल्ड मेडलिस्ट है, ये भी केमिस्ट्री उस बैच को पढ़ाएंगे। मैम खुद BSc एग्रीकल्चर पास आउट है, ये भी उस बैच को पढ़ाएंगे। तो ये पूरी टीम हमारी जो आपके सामने बैठी है, ये उस बैच को पढ़ाएंगी जो हमारा BSc एग्रीकल्चर का बैच यहाँ पर हम बनाएंगे। बाकी प्रदीप सर बोलेंगे इसके बारे में आगे। ज़्यादातर बातें तो निखिल सर ने बता ही दी है। कई दिन से मेरे और जोगिंदर सर के बीच में एक चर्चा थी कि जो BSc एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम है उसके लिए एक भ्रांति फैलाई गई है कि BSc एग्रीकल्चर एक तरह से दोयम दर्जे का एग्ज़ाम है, नीट IIT अलग लेवल है, BSc एग्रीकल्चर अलग लेवल है। तो मैं सबसे पहले ये क्लियर कर देना चाहता हूँ हर गार्जियंस को, हर बच्चे को आपके माध्यम से, कि नीट और JEE मेंस का लेवल ही BSc एग्रीकल्चर का लेवल है। BSc एग्रीकल्चर का सिलेबस भी, जो 12th बेस पे BSc एग्रीकल्चर है, उसका सिलेबस नीट IIT का ही सिलेबस है। आप पिछले 5 साल का रिकॉर्ड HAU में जाके देखें, HAU की टॉप रैंक पे या वहाँ पे क्वालिफाई जो बच्चे हुए हैं वो कौन बच्चे हैं? वो सारे वो बच्चे मिलेंगे जो 11th 12th से नीट IIT की तैयारी कर रहे थे। केवल क्रेश कोर्स के नाम पे बड़ी मार्केटिंग से एक क्राउड क्लस्टर कर लेना हमारा मकसद नहीं रहेगा। हम हर आए हुए बच्चे की एक्सपेक्टेशन पे काम करेंगे, हर आए हुए बच्चे के लिए स्टडी मैटर हो, डाउट सेशन हो, क्लास वर्क हो, उस पर फोकस्ड काम रहेगा। एक कंपटीशन का मूल जो कॉन्सेप्ट है वो बच्चे को डिलीवर किया जाएगा। MCI के रिजल्ट ऑथेंटिसिटी के मामले में आप सब वाकिफ हैं, सब मेरे पुराने मित्र लोग हैं आप, तो आप अच्छी तरह से इन चीज़ों को जानते हैं कि BSc एग्रीकल्चर में ग्रामीण प्रवेश का जो एक इनोसेंट बच्चा आता है उसके लिए, उसकी रिलायक, उसकी विश्वास को मेंटेन करने के लिए एक अच्छी टीम की ज़रूरत थी। उस टीम को MCI में हम पढ़ा ही रहे हैं सारे लोग। अब बस स्टैंड पर हमें एक अच्छी व्यवस्था की ज़रूरत थी। हरियाणा लेवल पर डिफेंस के सेक्टर में सबसे रिलायबल नाम जो है वो इम्पैक्ट एकेडमी का है। किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन मार्क कहीं पर भी हमें नहीं लगा। हम दोनों ने बैठ के बात की, मन में एक विज़न था कि अच्छे बच्चों को अच्छी
चीज़ों की अच्छी एजुकेशन की डिलीवरी हो, इसलिए हमने ये प्रयास किया है। और इसमें सारी फैकल्टी जो है, जो की फैकल्टीज़ हैं कंपटीशन की, जिन्होंने नेशनल लेवल पे रैंक्स दी हुई हैं, उन बच्चों उन फैकल्टी से बच्चों को सुविधा मिलेगी। जी प्रदीप सर, आपसे मैं जानना चाहूँगी, कहीं ना कहीं ये चीज़ हर कोई मानता है कि बस स्टैंड के जो पास का एरिया ऋषि नगर है, वो कहीं ना कहीं एजुकेशन हब है। नीट और आईआईटी से जो बच्चे निकले हैं, मैक्सिमम यहीं से निकले हैं। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ नॉन मेडिकल, कहीं ना कहीं मेरे ऊपर ही प्रेशर था, आईआईटी करो, आईआईटी के लिए तैयारी करो। बीएससी एग्रीकल्चर का कहीं पर भी नाम नहीं था, अवेयरनेस की कितनी कमी मानते हैं आप इस चीज़? ऐसा नहीं है, हर गार्जियन अवेयर है, लेकिन ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि साइंस स्ट्रीम का कोई बच्चा 11th में जब मेडिकल नॉन मेडिकल लेता है, तो उसके पेरेंट्स के मन में एक ख्वाब पलता है कि बच्चा IITian बने, NIT से पास आउट हो या MBBS करे। उस ख्वाब के सामने और सारी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं छोटी रह जाती है। बाकी अवेयरनेस की कोई कमी नहीं है। हरियाणा लेवल पे लगभग 15,000 के करीब बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं BSc एग्रीकल्चर का, दोनों लेवल पर मिला के। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि अनअवेयरनेस है, लोग अवेयर हैं। और BSc एग्रीकल्चर भी एक अच्छा रास्ता है करियर बनाने का। आने वाले टाइम में इसकी डिमांड भी बढ़ेगी और बड़ी डिमांड होगी, क्योंकि हर फील्ड में इससे पास आउट कैंडिडेट की डिमांड रहेगी। जैसे कि आप लोग अलग अलग संस्था से आप जुड़े हुए हैं? नहीं, हम अलग संस्था से नहीं है। मैं इस बात को क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये भ्रांति कहीं नहीं रखनी है कि इम्पैक्ट और MCIE कोई अलग है। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अलग अलग थे, आप सबको इकट्ठे होने की छत के नीचे आने की जरूरत क्यों पड़ी? आप जरूरत इसलिए पड़ी भाई साहब कि बच्चे को आप इंडिविजुअल ट्यूशन से, एक ट्यूटर से या एक फैकल्टी के नाम से आप प्रॉपर डिलीवरी नहीं दे सकते। आपको इन रेशियो सभी सब्जेक्ट पे फोकस करना है। और इसके लिए एक बोल्ड स्टेप की शहर को और हरियाणा को जरूरत थी कि अच्छे लोगों की टीम अच्छे कैंपस में अच्छी व्यवस्था के नीचे हो, जहाँ संस्कारों की एक वैल्यू हो, मॉरल वैल्यू हो, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन हो। तो उसके लिए हमने काफ़ी सोच विचार के करके, काफ़ी मंथन करके और ये स्टेप उठाया है। इसमें आप सबके आशीर्वाद की हमें ज़रूरत है, आप सबके साथ की ज़रूरत है। और कोई क्वेरी आपकी? सर, अब तक हिसार में अगर BSc एग्रीकल्चर की बात करें तो काफ़ी बड़ी अकेडमीज़ हैं जो BSc एग्रीकल्चर में जो है बच्चों को तैयार करती हैं, या फिर यूँ कहिए कि न सिर्फ कंपटीशन के दम पर बल्कि एडवर्टीजमेंट के दम पर भी जो है? ऐसा कुछ नहीं है, एडवर्टीजमेंट की अपनी इम्पोर्टेंस है, सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं। हम तो आपके माध्यम से केवल एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम कुछ और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। हम पुरानी एग्जिस्टिंग किसी भी इंस्टीट्यूट के ऊपर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठाना चाहते। वो अपना काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे चार पांच इंस्टीट्यूट है, वो अपना काम कर रही है। हम आपके माध्यम से सोसाइटी को जो मैसेज देना चाहते हैं वो ये देना चाह रहे हैं कि एवरेज और बिलो एवरेज बच्चा जो एक्सपेक्टेशन के साथ आता है, उसके ऊपर काम जो है वो प्रॉपर नहीं हो रहा, उसको मैटर की डिलीवरी नहीं मिल रही। BSc एग्रीकल्चर और LUAS के नाम पे जो पहले पेपर होता था, उसमें सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का हुआ जो यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं पढ़ के आए थे, कंपटीशन को टच करके आए थे, और फिर उन्होंने महीने दो महीने यहाँ इधर उधर एडमिशन लेके और अपनी वो एक तरह से टैग लगा कि बस स्टैंड पे तैयारी की। इनफैक्ट वो कोई हर बच्चा जो है कहीं ना कहीं किसी अच्छे कंपटीशन से, कंपटीशन के फैकल्टी से, टीचर से पढ़ के आया हुआ था। आप एनालिसिस कर लें, LUAS का एनालिसिस कर लें, चाहे BSc एग्रीकल्चर के कैंपस का आप विजिट करें, वहाँ आपको 90% बच्चा वो मिलेगा 12th लेवल पे जो सिलेक्टेड है, जो 11th से या 12th के बाद साल दो साल अच्छे लेवल पे तैयारी करके आया हुआ है। BSc एग्रीकल्चर और VLDA के अंदर इम्पैक्ट अकेडमी ने कितना सहयोग दिया, कितने बच्चे जो है वो आपके द्वारा वहाँ पर भेजे जाते हैं? इम्पैक्ट अकेडमी का ये नए सिरे से कोरोना के बाद प्रयास है, पहला प्रयास है, आप यूँ मान के चलें। हम पहली बार साइंस स्ट्रीम में BSc एग्रीकल्चर के लिए इस लाइन पे स्टेप रख रहे हैं। मार्केट के अंदर काफी लोग हैं सर, जो काफी एकेडमी है जो पहले से काम कर रही है, अपने आप को उनके सामने कैसे डिफरेंट आप दिखा पाएंगे? आप टाइम के साथ इस चीज़ को महसूस करेंगे, आप वक्त के साथ खुद इस बात को मानेंगे कि रियल में एजुकेशन में डिलीवरी, रिजल्ट ओरिएंटेड डिलीवरी क्या है, वैल्यू बेस्ड डिलीवरी क्या है, और एजुकेशन में मॉरल वैल्यू के साथ रिजल्ट कैसे बनते हैं, ये वक्त के साथ आप खुद मानेंगे। सर, एक बच्चे के विश्वास की बात होती है, आपके पास में एक बच्चा जो है वो काफ़ी उम्मीदें लेकर आता है, कैसे विश्वास करें? देखो, विश्वास स्टार्टिंग में बच्चे को करना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चा चाहे वो इंटेलिजेंट हो, चाहे वो
कम इंटेलिजेंट बच्चा हो, ठीक है, जैसे हम नॉर्मली डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले विश्वास डॉक्टर के ऊपर भी करना पड़ता है, अकेली दवाई लेने से काम नहीं चलेगा, उसको परहेज भी रखने पड़ेंगे, दवाई वगैरह भी लेनी पड़ेगी, तो विश्वास तो एक बार करना ही पड़ता है। स्टार्टिंग में कोई बच्चा आता है, जैसे हमने 2009 से स्टार्टिंग किया था तो साइंस के फील्ड से ही स्टार्टिंग किया था, उस समय AI ट्रिपली होता था, उसके बाद हमने लगातार 18 तक हमने ये BSc एग्रीकल्चर भी चलाया था, हमने VLD का कभी आर्ट बेस पे होता था, कभी साइंस बेस पे होता था, ठीक है। उसके बाद कोरोना काल में सभी फंसे थे, वो तो सबको ही पता है, और उसके बाद हमने अब की बार कोशिश की है प्रदीप सर के साथ मिलके, और जो जितनी भी टीम है हमारी, अखिल सर हैं, निखिल सर हैं, और आयुष सर है, और ज्योति मैम है, ठीक है, तो इनके साथ हमने पूरी कोशिश की अच्छा रिजल्ट लेके आएँ, क्योंकि जितने भी हमने पुराने रिजल्ट उठा के देखो, जैसे सर ने बताया, ये रियलिटी है कि जितने भी बच्चे IIT की तैयारी करते हैं और NEET की तैयारी करते हैं वो BSc एग्रीकल्चर का भरते ही हैं फॉर्म, और टॉप रैंक में वही रहते हैं मोस्टली, और जो बच्चा बिल्कुल +1 +2 करके आता है, जो फ्रेशर बच्चा होता है, हमारी कोशिश ये रहेगी फ्रेशर बच्चे को भी इसको पूरा फ़ायदा मिले, ये नहीं कि भी जो बच्चा ड्रॉप करके आया है और वही रैंक लेके आएगा, फ्रेशर बच्चे को भी पूरा बेनिफिट मिलेगा हमारी टीम के माध्यम से। जैसे आपकी टीम इकट्ठी हुई है, आप लोगों ने आज शुरुआत की है, तो क्या संदेश देंगे जो युवा देख रहे हैं, जो बच्चे पेरेंट्स देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा संदेश ये है कि भी एक बार जरूर जुड़ के देखें इम्पैक्ट अकेडमी से, इम्पैक्ट ने पहले भी अच्छे रिजल्ट दिए हैं, हमेशा लोगों का विश्वास जीता है हमने, हमारी कोशिश पूरी ये रहेगी VLD में और BSc एग्रीकल्चर में अच्छा रिजल्ट लेके आए हम जी। लगातार पढ़ाई की बात आप कर रहे हैं, तो नए बैचेस कब से स्टार्ट हो रहे हैं, कब से जो है बच्चे आप लोगों के साथ BSc एग्रीकल्चर की तैयारियों के लिए जुड़ सकते हैं? हरियाणा बोर्ड के एग्जाम खत्म हो रहे हैं 17 तारीख को, 18 तारीख से हम बैच शुरू कर रहे हैं, 18 अप्रैल से जैसे ही HBSC के एग्जाम खत्म होंगे 18 अप्रैल से हमारे फर्स्ट बैच शुरू हो जाएंगे। अगर जानकारी की बात करें, यदि कोई आपसे जुड़ना चाहता है किसी फोन नंबर के माध्यम से, है किस पते पर आकर के बच्चा जो है आप लोगों से सारी जानकारियां ले सकता है? इंक्वायरी ऑफिस तो यही रहेगा मैम, जहां आप बैठे हैं, इंपैक्ट एकेडमी, वो कॉन्टेक्ट नंबर सर अभी बता देंगे। जैसे हमारा बच्चा यूट्यूब से भी देख सकता है, फेसबुक पे भी सर्च कर सकता है, गूगल पे भी जा सकता है, हमारी ऑनलाइन का भी बच्चा देख सकता है, क्योंकि हम साथ ही साथ ऑनलाइन का भी करेंगे, प्ले स्टोर पे जाके इम्पैक्ट अकेडमी जो हमारा फ़ोन नंबर है वो 90505 46000 और 82780 46000 82781 46000 82782 46000 ये सारे अपने कॉन्टैक्ट नंबर हैं। सर जैसा कि अभी आप बोल रहे हो, 5 साल के बाद आपने ये मुद्दा उठाया है एग्रीकल्चर और नीट का, तो अभी तक आप लोग कहाँ थे, किस चीज़ का मुद्दा? आपने हमने इस बात को महसूस किया है, हमारे खुद से जो बच्चे पास आउट आए हैं नीट IIT जो हमारे यहाँ से तैयारी करते थे वो बच्चे भी वहाँ सेलेक्ट हुए हैं, तो मैं इस बात के इसका मैसेज जो आप शायद कहीं कम्युनिकेशन गैप है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी बच्चा HAU में या LUAS में सिलेक्ट हुआ है वो कहीं ना कहीं कंपटीशन की अच्छी तैयारी करवाने वाली फैकल्टी के टच में रहा, कहीं ना कहीं नीट लेवल की तैयारी की है तो तैयारी पे सिलेक्ट हुआ है, तो हम वही पहल करने जा रहे हैं कि नीट लेवल की तैयारी हम करा पाए। क्या कोई अनदर एकेडमी भी आपकी बात से एग्री है, आप लोगों के साथ है इस मुहिम में जो आपने शुरू की है? अच्छे लेवल पे तैयारी कराने वाली हर एकेडमी के डायरेक्टर्स जो हैं इस बात से वाकिफ है।